हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनु शर्मा एंड दिस इज सिविल सेक्शन। वेलकम यू ऑल हियर। फ्रेंड्स, आज है 12 जनवरी 2019 और देखते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेज नंबर वन की। पेज नंबर वन पर जो न्यूज़ आई है उसके अकॉर्डिंग आलोक वर्मा ऑप्ट्स फॉर रिटायरमेंट सीज नेचुरल जस्टिस स्क्यूटर्ड, यानी कि आलोक वर्मा जो हैं उन्होंने रिटायरमेंट को चुना है। उन्होंने कहा है कि रिटायर होना चाहते हैं क्योंकि अब नेचुरल जस्टिस जो है वो विफल हो चुका है। ओके तो फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा हमने कल की न्यूज़ में ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से हाई लेवल कमेटी ने जिसको चेयर करे थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने फिर से आलोक वर्मा को सीबीआई के डायरेक्टर की पोस्ट से हटा दिया है और फिर से नागेश्वर राव को वहाँ का इंटरिम चीफ बना दिया गया है। तो इसी चीज़ को लेकर आलोक वर्मा ने कहा है कि अब वो रिटायर होना चाहते हैं। रिटायरमेंट कहाँ से? तो फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग ने एक ऑर्डर इशू किया था जिसमें आलोक वर्मा को फायर सर्विस का हेड अपॉइंट किया गया था। कब तक? January 31st तक। लेकिन उन्होंने ये बोला है आलोक वर्मा ने कि अब वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अब नेचुरल जस्टिस जो है वो ख़त्म हो चुका है और इसीलिए अब वो सेवानिवृत्ति चाहते हैं, यानी कि अब वो सेवा से मुक्त होना चाहते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ और ये पेज नंबर 3 पर है जिसमें बात की गई है सेंटर साइंस पैक्ट विद 5 स्टेट्स ऑन रेणुका डैम, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 स्टेट्स के साथ में रेणुका डैम पर एक एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये 5 स्टेट कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? ये हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे क्या होगा, एक रेणुका मल्टीपर्पज़ डैम प्रोजेक्ट था जो कहाँ पर होगा, ये अपर यमुना बेसिन में होगा, इसको रीस्टार्ट किया जाएगा, इसके कंस्ट्रक्शन को रीस्टार्ट किया जाएगा। इसी को लेकर इन 5 स्टेट के CMs के साथ में एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो फ्रेंड्स, रेणुका डैम क्या है? रेणुका डैम एक मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट है जो एक यमुना की ट्रिब्यूटरी है, यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है गिरी रिवर, उस पर बनाया जाएगा। और ये गिरी रिवर कहाँ पर है? ये है हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। और ये जो डैम होगा ये 148 मीटर हाई होगा और जितने भी दिल्ली या अदर बेसिन स्टेट्स हैं उनको ये वाटर सप्लाई करेगा। इसके अलावा इससे 40 MW पावर भी जनरेट किया जाएगा। ये जो प्लान था ये 1976 में ये स्टार्ट किया गया था लेकिन बाद में इसको बंद कर दिया गया, लेकिन अब इसको दोबारा से रीस्टार्ट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, 2015 के प्राइस लेवल के अकॉर्डिंग निकाला जाए टोटल कॉस्ट इसका, तो इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट होगी 4,596.76 करोड़ रुपये, जिसमें से 90% कॉस्ट जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी और जो रिमेनिंग कॉस्ट होगी वो अदर स्टेट्स उसको बियर करेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो पेज नंबर 5 पर है और इसमें बात की गई है इसरो क्रैंक्स अप गगनयान प्रोजेक्ट, यानी इसरो जल्दी ही गगनयान प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट कर देगा। और कहाँ पर करेगा? जो इसका न्यूली क्रिएटेड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर है वहाँ पर जल्दी ही इस प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। और ये जो न्यूली क्रिएटेड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर है इसके डायरेक्टर होंगे उन्नीन कृष्णन नायर। तो ये जो उन्नीन कृष्णन नायर हैं इन्होंने इसरो के एडवांस्ड स्पेस ट्रांसपोर्टेशन प्रोग्राम को भी लीड किया हुआ है। इसके अलावा ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोजेक्ट के डायरेक्टर भी रह चुके हैं और अब ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के डायरेक्टर भी होंगे। और ये जो चंद्रयान 2 है ये कब लॉन्च होगा? ये दिसंबर 2021 में ये लॉन्च किया जाएगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का गोल किया था कि अगस्त 2022 तक इसको पूरा कर लिया जाए। जो कि क्या है अगस्त 2022? ये इंडिया की 75th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी होगी। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर एक ये सबसे पहले तो ये इंडिया का फर्स्ट मैन्ड स्पेस फ्लाइट है और ये सेकेंड मिशन होगा मून पर, यानी चंद्रयान 1 पहले हमारे यहाँ पर मिशन सक्सेसफुल हो चुका है और ये चंद्रयान 2 जो है ये सेकेंड मिशन होगा मून पर। इसके अलावा ये जो न्यूली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर है ये बेंगलुरु में इसको एस्टेब्लिश किया गया है और ये गगनयान हब बनेगा। रॉकेट मैन जो है केरला के उन्नीन कृष्णन नायर वो इसके डायरेक्टर होंगे। और ये जो मिशन है इसमें 3 क्रू मेंबर्स को मून पर भेजा जाएगा। इसरो ने इसके लिए वर्कफोर्स इकट्ठा कर लिया है। इसमें 861 पीपल को डिप्लॉय किया जा चुका है और उनकी हेल्प के लिए 700 लोगों को भी अपॉइंट किया जा चुका है। इसके अलावा जो IAF है यानी इंडियन एयर फोर्स है वो एस्ट्रोनॉट को सेलेक्ट करेगी, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। कहाँ पर? इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन में, जो बेंगलोर में ही है। और यहाँ पर अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी तो उनको एडवांस ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी रशिया में, और जिसकी कॉस्ट आएगी 9,023 करोड़ रुपीज़।
इसके अलावा इसका जो ऑब्जेक्टिव है चंद्रयान टू का वो ये है कि जितनी भी रिमोट सेंसिंग ऑपरेशन है मून पर उनको परफॉर्म करना और वहाँ से लूनार टोपोग्राफी की यानी जो चंद्र चांद है मून है उसकी टोपोग्राफी की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। इसके अलावा देखना कि वहाँ पर मिनरल्स किस प्रकार के हैं, वहाँ के रॉक किस मिनरल से बने हुए हैं और वहाँ के एक्सोस्फेयर के बारे में भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना इनका एम होगा। ओके तो फ्रेंड्स इसमें अभी जो कीवर्ड है वो है इसरो, तो देखते हैं इसरो क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स ये एक स्पेस एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और फ्रेंड्स इसको फॉर्म किया गया था 1969 में इसरो को, और ये इसने किसको सुपरसीड किया था, इनकॉस्पर को स्टैब्लिश किया गया था 1962 में। इनकॉस्पर क्या है, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। तो इसके बाद में इसको सुपरसीड करके इसरो को लॉन्च किया गया था, इसरो को फॉर्म किया गया था 1969 में। और ये किसके एफर्ट से हुआ था ये काम, ये इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू और उनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे साइंटिस्ट विक्रम साराभाई, उन दोनों ने मिलकर इसको एस्टैब्लिश करने के लिए एफर्ट्स लगाए थे। इसको मैनेज कौन करता है, इसको मैनेज करता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस किसको रिपोर्ट करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। इसके अलावा इसरो ने इंडिया की पहली सैटेलाइट भी बिल्ड की थी जिसका नाम क्या था, आर्यभट्टा, और ये सोवियत यूनियन ने इसको लॉन्च किया था कब, 19 अप्रैल 1975 में। इसके बाद में इसरो ने दो रॉकेट भी डेवलप किए, उनका नाम क्या है, एक तो है PSLV और एक है GSLV। PSLV का मतलब है पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए व्हीकल बनाया गया है पोलर ऑर्बिट्स में। और ये GSLV जो है ये है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और ये क्या करता है, ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है अर्थ की उसमें सैटेलाइट को प्लेस करता है। इसके अलावा जो विक्रम साराभाई हैं उनको फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है क्योंकि उनके थ्रू ही ये एफर्ट्स डाले गए थे। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर कर्नाटका में और कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलोर। ठीक है, उसके अलावा इसका जो प्राइमरी स्पेस पोर्ट है यानी कि जहाँ से सबसे पहले ये स्पेस पोर्ट तैयार किया गया था वो है सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये श्रीहरिकोटा में है, और श्रीहरिकोटा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर एक डायग्राम है जिसके थ्रू आप बहुत अच्छे समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये एजेंसी वर्क करती है, किस तरीके से ये फॉर्म है। तो फ्रेंड्स ये एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो थोड़ा इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड होंगे। ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर को डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा, और स्पेस कमीशन के भी हेड कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है वो स्पेस कमीशन के अंडर भी आएगा, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो आप ये देख सकते हैं PRL, NARL, NESAC, SCL, IIST, इसरो, एंट्रिक्स। तो ये क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा इसरो की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो के जो कंपोनेंट्स हैं वो ये सारे हैं, ये जितने भी हैं आप इनको पढ़ सकते हैं आराम से वीडियो को पॉज करके, और ये इनकी जो फुल फॉर्म है एब्रीविएशन की नीचे दी हुई है तो आप इसको जूम कर पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे, और ये हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है जो पेज नंबर 5 पर है, और इसमें बात की गई है विल नॉट एक्सेप्ट हाई वैल्यू इंडियन करेंसी सेज नेपाल। तो नेपाल ने कहा है कि हम हाई लेवल इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको पता होगा तो कुछ दिन पहले ये न्यूज़ आई थी कि नेपाल ने 100 डिनोमिनेशन से ऊपर तक के जितने भी नोट हैं उनको अपने यहाँ पर बैन कर दिया है। ठीक है, तो इसी के ऊपर ये न्यूज़ है। तो नेपाल ने ये बोला है कि वो हाई लेवल इंडियन नोट्स को तब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक गवर्नमेंट उनको एश्योर नहीं कर देता फ्यूचर शॉक्स के अगेंस्ट, कि फ्यूचर शॉक्स जो होंगे उसमें हमको कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर जब तक ये एश्योरेंस नहीं मिलती है तब तक नेपाल जो है अपने यहाँ पर 100 रुपीज डिनोमिनेशन से ज़्यादा के जो नोट होंगे उनको कंटिन्यू नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स 500 और 1000 के जो नोट थे वो जो डीमोनेटाइज किए गए थे इंडिया में 8 नवंबर 2016 को, इससे कुछ स्टेट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, भूटान, नेपाल, म्यांमार, लेकिन इंडिया ने भूटान के साथ में इशू को रिजॉल्व कर लिया था, लेकिन नेपाल की रिक्वेस्ट अभी भी पेंडिंग में है। तो इसीलिए नेपाल ने कहा है कि जब तक गवर्नमेंट हमें एश्योर नहीं कर देगी तब तक हम अपने यहाँ पर 100 रुपीज़ की डिनोमिनेशन से ऊपर के हाई वैल्यू नोट्स को अलाउ नहीं करेंगे, कंटिन्यू नहीं करने देंगे। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो पेज नंबर 5 पर ही है, और इसमें बात की गई है हैश टैग मी टू टाइम लिमिट ऑन फाइलिंग कंप्लेंट्स लाइकली टू बी रिलैक्स्ड,
यानी कि अगर आपको याद होगा लास्ट ईयर एक कैंपेन चला था #MeToo, जिसमें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और इंडियन मीडिया में जितनी भी वीमेन थी, बहुत सारी वीमेन सामने आई थी, उन्होंने बताया था कि उनके साथ वर्क प्लेस पर सेक्सुअली उनको असॉल्ट किया गया है और सेक्सुअली हेरेसमेंट हुए हैं उनके साथ में। और वो कौन लोग थे, उनकी कोलीग्स थे या फिर उनके सीनियर्स ही थे जिन्होंने उनको सेक्सुअली हेरेस किया था। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने एक सब कमेटी फॉर्म की थी, और इस सब कमेटी का काम ये था कि वो किस तरीके से सेक्सुअल हेरेसमेंट जो वर्क प्लेस पर होता है उसको प्रिवेंट किया जाए, इस बारे में गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगी। तो इन्होंने ये बोला है कि 3 मंथ की तो उन्होंने प्रपोज किया है कि 3 मंथ की टाइम लिमिट को वेव किया जाए। और इस कमेटी को हेड कर रहे हैं स्पेशल सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर, जो किसके अंडर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं। और ये अभी तक 3 बार मिल चुके हैं, यानी 3 बार इनकी मीटिंग हो चुकी है। जब ये कमेटी और ये कमेटी अपनी रिपोर्ट को सौंपेगी 4 मेंबर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के सामने, और ये जो 4 मेंबर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं इनको हेड कर रहे हैं हमारे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के अकॉर्डिंग, यानी एक गवर्नमेंट ऑफिसर है उनके अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि ये प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हेरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 जो है उसमें अमेंडमेंट की बात की जा रही है। यानी कि अभी तक लॉ में ऐसा होता था कि जब भी इंसिडेंट हुआ है उसके 3 महीने के अंदर अंदर विक्टिम को अपनी कंप्लेंट फाइल करनी होगी, लेकिन अब इसको रिलैक्स करने की बात की जा रही है और इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है। तो यही बात इस कमेटी ने भी रिकमेंड की है कि ये जो 3 महीने की टाइम लिमिट है इसको वेव किया जाए। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो पेज नंबर 8 पर है, और इसमें बात की गई है 8 पीपल फ्रॉम इंडिया हैव ज्वाइंट अलकायदा विंग, NIA, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उन्होंने बोला है। तो लगभग 8 लोगों ने, जो कहाँ से हैं, कर्नाटक और केरला से हैं, उन्होंने ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इन्होंने जबात उल नुसरा को ज्वाइन कर लिया है। अब जबात उल नुसरा क्या है, ये फॉर्मर अलकायदा आउटफिट है जो सीरिया में है। तो ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने इस जिहादी ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। तो फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कि ये जबात उल नुसरा क्या है। ये एक इंटरनेशनली सैंक्शन टेररिस्ट ग्रुप है, और ये इंसर्जेंट नॉन स्टेट एक्टर टेररिस्ट ट्रांजिशनल वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इनकी आइडियोलॉजीज क्या हैं, अलकायदा एफिलेटेड ग्रुप है ये इस्लामिस्ट है और जिहादिस्ट है, कुतबिस्ट है और सुन्नी है। ये कहाँ पे ओरिजिन इसका हुआ था, ये सीरिया और इराक में इसका ओरिजिन हुआ था, और ये 2011 में इसका ओरिजिन हुआ था, और ये 2012 में डिक्लेयर कर दिया गया था जनवरी में कि ये एक टेररिस्ट ग्रुप है। इसके फाउंडर कौन है, इसके फाउंडर हैं अबू मोहम्मद अल गोलानी और अबू बकर अल बगदादी। ओके, और एरिया मतलब ये कहाँ पर ज़्यादा इस्टेब्लिश है, ये सीरिया और लेबनान में ये वहाँ पर इस्टेब्लिश हैं। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो पेज नंबर 18 पर है, और इसमें बात की गई है ओशंस आर हीटिंग अप एट अ फास्ट पेस, यानी जो ओशन है वो बहुत तेज़ी से हीटअप होते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये एक स्टडी के अकॉर्डिंग बताया गया है, साइंटिस्ट ने कुछ स्टडी की है उसमें ये बताया गया है कि जो वर्ल्ड ओशन है वो बहुत तेज़ी से वो हीटअप होते चले जा रहे हैं। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इससे जितनी भी हमारे यहाँ पे डाइवर्स रेंज है मैरीन लाइफ की उसको खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये 93% जो एक्सेस हीट है जिसको कौन ट्रैप करता है, ग्रीन हाउस गैसेस उसको ट्रैप कर लेती हैं। तो ये जो 93% एक्सेस हीट है ये वर्ल्ड ओशन में इकट्ठी होती जा रही है, और जिसकी वजह से ओशंस जो हैं वो हीटअप होते चले जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर आपको हमारी वीडियो देखने के बाद में कोई भी डाउट आता है तो आप उसको डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज पर हमसे पूछ सकते हैं, जैसे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है @SivilSection। आप अपने डाउट हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है civilsection2018@gmail.com। इसके अलावा आप अपने डाउट्स हमारी वेबसाइट पर भी पुट कर सकते हैं, जिसका एड्रेस है www.civilsection.com। और फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ एनालिसिस के साथ में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।